शुभ प्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 41 13 85 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है और 88 108 59 006 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट TGT PGT LT UGC नेट UP कांस्टेबल SSC ANM लेखपाल SDI आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तैयारी के लिए बेहतरीन मटेरियल है, बेहतरीन तथ्य आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। इनके माध्यम से आप सफलता के मुकाम तक, सफलता के शिखर तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इनको बहुत ही कम दामों में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। महंगे कोचिंग संस्थानों के नोट्स आदि से आपको बचाया जा सके और महंगे कोचिंग संस्थानों से आपको बचाया जा सके, इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अपनी मुहिम को स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इसे प्राप्त करके अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो भी भाई बहन हमारे 2016 TGT PGT 2021 TGT PGT में याची बनना चाहते हैं और याची लाभ लेना चाहते हैं, वो हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं 88 108 59 006 पर व्हाट्सअप करके या 97 41 13 85 पर कांटेक्ट करके। लेकिन हमेशा आप कॉल नहीं मैं अटेंड कर सकता, ये भी चीजें हैं। आप लोग जो टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं 97 41 पे, वो जो है मतलब टेक्स्ट मैसेज में जल्दी देख नहीं पाता क्योंकि बहुत सारी व्यस्तताएं होती हैं। व्हाट्सएप आप करिए 88 108 59 006 पर, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। और यदि आप फिर भी हमसे बात करना चाहते हैं कि बिना बात किए हम जो है कोई कदम नहीं आगे बढ़ा सकते, तो आप शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपसे बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के जिला आवंटन सूची आदि को लेकर के आज सुबह में ही SERT में जो है मतलब वार्ता करने का प्रयत्न किया गया और वहां जो हमारे स्रोत हैं उनसे पूछा गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो अन्य विषय थे, संस्कृत, ठीक है, हिंदी, इन सभी विषयों का पहले सुनने में आ रहा था कि कॉमन मेरिट बनाई जाएगी। कॉमन मेरिट का मतलब होता है स्टेट लेवल की मेरिट, एक मेरिट पे सभी लोगों की काउंसलिंग हो जाती थी, ठीक है ना। लेकिन इन सारी चीजों को देखा जाए तो इसमें काफी सारे जो है विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वजह यह है कि गणित विज्ञान का अलग से मेथड है, ठीक है, और उसके बाद कला का अलग मेथड है, हिंदी का अलग है, सामाजिक विज्ञान का अलग है, दोनों सभी विषयों के पेपरों में जमीन आसमान का फर्क था, है ना, काफी सारे फर्क थे कि किसी का पेपर टफ बन गया, किसी का पेपर इजी बन गया, किसी का पेपर मीडियम बन गया, किसी का पेपर जो है मतलब बहुत ज्यादा टफ बन गया। तो इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा उठापटक हो गई, है ना। और यदि इनको एक ही मैटर पे, एक ही तथ्य पे जो है मतलब मेरिट बना करके जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई तो जाहिर सी बात है कि कोई विद्यार्थी चयन प्रक्रिया में ही नहीं आ पाएगा, कोई विद्यार्थी जो है किसी किसी विषयों के पूरी पूरी सीटें ही उठा ले जाएंगे। इसलिए SERT ने फैसला किया है कि गणित का अलग बनेगा, विज्ञान का अलग बनेगा, सामाजिक विज्ञान का अलग मेरिट बनेगा, हिंदी का अलग बनेगा, संस्कृत का अलग बनेगा, ऐसी मेरिट को बना करके तब जो है उनके लिए सीटें बांट दी गई हैं। 1598 सीटों में से सभी विषयों की सीटें बराबर बराबर बांट दी गई हैं, हर कैटेगरी की सीटें बांट दी गई हैं। OBC की अलग है, SC की अलग है, जनरल की अलग है, EWS की अलग है, सभी लोगों की सीटें मतलब अलग अलग बांट दी गई हैं। इन सभी पदों का ब्यौरा, इन सभी मेरिट का ब्यौरा जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का आपका आने वाला है, इन सभी तथ्यों का ब्यौरा हम आपको दोपहर की वीडियो में या शाम की वीडियो में उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। सबको हम बता देंगे क्या क्या चीजें मतलब हो रही हैं। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ चीजें और भी बता दूं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन आदि की प्रक्रिया और अध्याचन आदि की प्रक्रिया आरंभ हुई है, फिर से माननीय शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक ने जो पत्र शासनादेश जारी किया है उसके सापेक्ष कल के ही डेट में लगभग 398 पदों पर नए अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं।
और पदों की संख्या, पुरानी भर्तियों के पदों की संख्या वो भी अच्छी खासी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो एक भय लगा था कि पदों की संख्या कम हो सकती, पदों की संख्या कम नहीं है। अकेले आपके सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए, सुन लीजिए, अकेले आपके सामाजिक विज्ञान में ही 2500 से अधिक सीटें हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, गणित विज्ञान, गणित में भी आपको लगभग 900 सीटें देखने के लिए मिलेंगी, संस्कृत में भी आपको 800 से अधिक सीटें देखने के लिए मिलेंगी, हिंदी में आपको 1100 सीटें देखने के लिए मिलेंगी। मतलब पदों की जो संख्या है वो पदों की संख्या तकरीबन 13000 है, 13000। आपको 2000, 5000, 6000, 8000 पद नहीं मिलेंगे, 13000 के बाद पद मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, निराश मत होइए। और आपको सिर्फ एक सीट लेनी है ना, तो आप उसके लिए तैयारी करिए कि हमको एक सीट लेनी है, हमारे विषय में कितने भी पद आते हो उससे हमें सरोकार नहीं, ठीक है। सिर्फ एक सीट लेने के लिए आप लगिए और उस चीज को प्राप्त करने का पुरजोर प्रयास करिए। सिर्फ अगर आप जो है फॉर्मेलिटी करेंगे ना, तो फॉर्मेलिटी आपको सफलता नहीं दिला सकती, संतुष्टि भी नहीं दिला सकती। फॉर्मेलिटी ऐसी चीज होती है कि केवल आपको संतुष्टि भी नहीं दिला सकती है। जब संतुष्टि नहीं मिलेगी तो सफलता कैसे मिलेगी, है ना। जब आपका मन संतुष्ट हो जाए कि हाँ वास्तव मैंने ऐसी तैयारी कर ली है कि मेरा मन संतुष्ट है, मैंने वो सारी चीजें पढ़ ली है, उतनी सारे मेहनत कर लिए हैं जितने मेहनत पे आराम से लोग शिखर पे पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्ट कट तो होता नहीं है, तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आप तैयारी में जुटिए, लगिए, तभी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और मैं एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, आपके सुपर टेट आदि के विज्ञापन को लेकर के एससीईआरटी से जो सूचना प्राप्त हुई है, लगभग 74000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आपका 2 तारीख को फाइनल आंसर की जारी होने के बाद वो आंसर की आपके लिए एक संजीवनी के रूप में आएगी, क्योंकि टेट का 2021 टेट का भविष्य वो तय होगा, उसके बाद ही तत्काल जो है आपके विज्ञापन पर कार्य होगा। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए जो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि अब चुनाव बाद ही विज्ञापन जारी होगा, कल तो संडे था और आज की डेट में माननीय सचिव महोदय से मुलाकात किया जाएगा और उनसे सारी चीजें स्पष्ट की जाएंगी, समायोजन आदि की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट की जा रही है, सारी चीजें, वेटिंग लिस्ट आदि के बारे में क्या वो सारी चीजें हैं। चूंकि उन्होंने कहा था कि जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन सबका फाइनलाइजेशन हमें हो जाए और जो जो दिशा निर्देश हमें जारी हुए हैं याचियों को लाभ आदि देने के लिए, जाहिर सी बात है उन सारी चीजों को हम कंफर्म कर देते हैं, उसके बाद हम नए विज्ञापन पर लगातार हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कुछ संशोधन आदि भी शामिल किए गए हैं जिसमें आपका समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र को SST के दायरे में लाया गया है, आपको कंप्यूटर साइंस एक नया विषय देखने के लिए मिलेगा, संस्कृत के विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थियों को संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिलेगी, है ना। इन सभी संशोधनों को एकत्र करके सारी चीजें करके उसके बाद जो है नए विज्ञापन को निकाला जाना है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञापन तो आने ही आना है। आप तैयारी ऐसी करिए कि जब विज्ञापन आए, जब परीक्षा होए, तो आराम से जो है मतलब एक सीट आपको मिल जाए, ऐसी तैयारी आप करिए। मन को संतुष्ट मत करिए, क्योंकि पढ़ाई से मन कभी संतुष्ट नहीं होता। हम भी पढ़ते थे, हम भी तैयारी करते थे, कभी मन संतुष्ट ही नहीं होता था कि मैं क्या पढ़ लूं, क्या छोड़ दूं, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं, अगर आपका मन संतुष्ट नहीं है तो ये जान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने सफलता के लिए भूखे हो चुके हो, तभी आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है ना। तो आप लोग जो पढ़ाई करते रहे, चाहे सुपर टेट का विज्ञापन हो, चाहे LTGIC का विज्ञापन हो, चाहे LT ग्रेड का विज्ञापन हो, चाहे आपका जो है TGT PGT का विज्ञापन हो, एक सुखद समाचार आपको मिल रहा है। वह सुखद समाचार बहुत ही मतलब उसके लिए है जो विद्यार्थी यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी करते हैं। यूपी कांस्टेबल के 26,991 पदों पर विज्ञापन फरवरी प्रथम सप्ताह में जारी होने की प्रबल संभावना, उस पर कार्य कर रहा है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड और आपको विज्ञापन 26,991 पदों पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें फायरमैन के भी पद हैं और आपके यूपी कांस्टेबल के भी पद हैं। और इसकी चयन प्रक्रिया वो जो है मतलब स्टार्ट की जाएगी, तो जो भाई बहन हमारे
यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं, वो भाई बहन अपने जो है मतलब फिजिकल पर, अपने रिटर्न एग्जाम पर ध्यान दें, क्योंकि विज्ञापन आने के बाद, फार्मों की स्क्रूटनिंग होने के बाद ये सारी प्रक्रिया आरंभ की जाएंगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि तैयारी आदि करते रहें। और लेखपाल तो जो है मतलब एक बार फिर से उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो की नई वैकेंसी के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसके लिए भी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और फरवरी मध्य तक आपको वीडियो की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एसडीआई के विज्ञापन को पीसीएस में शामिल करने के लिए जो है मतलब कहा जा रहा था, लेकिन एसडीआई का नया विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा, क्योंकि 1700 से अधिक पद हैं, तो इन पदों को पीसीएस में ऐड नहीं किया जा सकता था, इसके लिए एक नया विज्ञापन आएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एक नया विज्ञापन आएगा, तो आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करें अथवा किन्हीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सफलता आपको मिल जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपका कुछ हम भला कर सके, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और जो है मटेरियल प्राप्त करिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ताकि आपको सफलता इस बार मिल जाए। 2022 को अपने सफलतम वर्ष के रूप में बनाइए, ताकि इस बार सफलता के शिखर पर आप पहुंचे और आपका जीवन धन्य हो जाए, ठीक है ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य किया करें, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दिया करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल मिल जाए, ठीक है। और आज जो है मतलब आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़िए, ये मेरी आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग जो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि ये चैनल हमेशा से ही आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए और आपकी सफलता को प्राप्त कराने के लिए हमेशा ही कार्य करता रहता है, ठीक है। सुबह से लेकर के रात तक हम लगातार कार्य में लगे रहते हैं, ताकि आपको जो है मतलब वो चीजें कर सकें। जो चैनल निगेटिव कंटेंट बता रहे थे, जो चैनल आपको बता रहे थे कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा है वैसा है, वो विज्ञापन, वो चैनल भी अब कम से कम टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी और यूपी कांस्टेबल और ये जो है एसडीआई वगैरह की बातें तो करने लगे ना। जब शासनादेश जारी हुआ तो जो उनकी पुरानी वीडियोस थी वो इरेज होने लगी, अरे ये तो शासनादेश जारी हो गया, अब तो विज्ञापन 10-15 दिन में आ जाएगा। तो ये चीजें होती हैं। देखिए, अगर हम पॉजिटिव वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी विद्यार्थियों के सम्मुख आएगा। हम ऐसे ही नहीं बताते रहते हैं आपको, क्योंकि उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपके लिए विज्ञापन तो जरूर निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने आज तक कभी कहा आपसे कि विज्ञापन नहीं आएगा? कभी नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, उसके लिए मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, समय खर्च कर रहा हूं, धन खर्च कर रहा हूं, पेट्रोल खर्च कर रहा हूं, हर चीजें कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं अधिकारियों के सम्मुख जा रहा हूं, हाथ पर जोड़ रहा हूं, तो मुझे पता है ना कि विज्ञापन आएगा। लेकिन आपको जब मतलब गलत कंटेंट परोसे जा रहे थे, उन सारी चीजों का जो है निराकरण आपका हो गया, अब आपको पता चल गया कहां विज्ञापन आना है। तो विज्ञापन आना है तो मतलब अभी भी इंतजार कर रहे हो क्या? इंतजार मत करो, चुपचाप तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को निकालना इतना आसान काम नहीं है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती मतलब पीसीएस की भर्ती होती है, लोअर पीसीएस की, जैसे उसका स्तरीय एग्जाम होता है ना, वैसे सेम एलटी ग्रेड और जीआईसी का होता है। तो इसको जो है लपसी मत समझिए कि बस गर्मा गर्म प्लेट में आएगा, चट चट चाल जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं होने वाला। पेपर बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए आप लोग तैयारी में तत्काल जुड़िए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।